ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं Instagram मोनेटाइजेशन को लेके। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मतलब कि यूट्यूब के तरफ मोनेटाइजेशन जो है आपको अब यहाँ पे इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी। एंड बस उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो ऑप्शंस है अभी तक काफी लोगों को नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है और कैसे मिलेगा आज की इस नई वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना जिससे कि गाइस आप लोग भी अब इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि गाइस अभी जो है मतलब कि इंस्टाग्राम पर हमने इतनी पोस्ट डाली बट अभी तक हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अब जो है हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके हर व्यू का हमें पैसे मिलेगा जैसे हमें यूट्यूब में मिलता है, बट यूट्यूब से ज्यादा पैसा हमें इंस्टाग्राम पे मिलेगा। बट वो कैसे क्या करना है आपको मैं सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप सभी के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिस चैनल पे आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो ऑप्शंस है वो कहां पर मिलेगा। एंड गाइस अगर आपके अकाउंट में ऑप्शन अभी तक नहीं आया है तो गाइस क्या करना है आपको उस चीज के लिए वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं वो ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो जल्दी से पहले मैं चले जाता हूं अपने फोन की स्क्रीन पे और आपको साइड में स्टेप बाय स्टेप दिखता रहेगा जो जो मैं चीज आपको बोलूंगा आप उसको सेम फॉलो करना, ठीक है। जैसे गाइस आप अपने इंस्टाग्राम में जाओगे आपको सिंपली अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। एंड प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको ऊपर थ्री लाइन दिख रही होंगी, आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको जो है गाइस वहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड बिजनेस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही गाइस आप देख सकते हो अभी तक मेरे पास भी जो है मतलब कि एलिजिबल तो हूँ मैं उसके लिए, बट गाइस मैं अप्लाई कैसे करूँ अभी तक वो ऑप्शन मेरे इसमें नहीं आया है। तो गाइस ये ऑप्शन क्यों नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड आप में से बहुत से लोगों के मतलब कि अकाउंट में ऑप्शन नहीं आया होगा और उसका रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें रीजन क्या है कि गाइस अभी जो है इंस्टाग्राम ने जो है अभी एकदम सभी यूजरों को जो है अभी तक ये ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब कि ये कहना उनका कहना ये है कि अभी जो है वो धीरे धीरे सभी के अकाउंट में ये जो ऑप्शन है अपडेट कर रहे हैं। एंड जैसे गाइस मैं बता दूं कि अभी जो है ना ये ऑप्शन जो न्यू क्रिएटर है जो मतलब कि न्यू अकाउंट बना रहे हैं अभी जो स्टार्टिंग में मतलब जिन जिनका न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो उन लोगों को ये ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है गाइस क्योंकि वो इनका कहना ये है कि न्यू यूजर जो है जब वो अपने अकाउंट पे आते हैं काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो है मतलब कि उनको व्यूज वगैरह नहीं मिलते तो क्या करते वो चेक सोचते हैं कि मतलब कि अब यहाँ पे व्यूज वगैरह तो मिल नहीं रहा और वो जो अपना अकाउंट को मतलब इतना यूज करना बंद कर देते हैं। यानी कि फिर वो मैसेजेस के लिए ही मतलब कि बस यूज करते हैं और किसी चीज के लिए यूज नहीं करते, रील वील देखने के लिए और इसलिए यूज नहीं करते। बट इंस्टाग्राम चाहता है कि कोई भी अकाउंट कोई भी यूजर अगर उसको इंस्टाग्राम का यूज कर रहा है तो वो एक क्रिएटर के उसमें यूज करे, मतलब कि वो भी अपनी वीडियोज वगैरह बनाए उस पर, ठीक है। तो इसलिए वो जो उनके चैनल पे जो मतलब उनके अकाउंट पे जो उनको ये ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के अकाउंट में अगर ये ऑप्शन नहीं आया है तो आप लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लो दूसरा। मतलब कि मैं यूं नहीं कहूंगा कि आप अपना जो आपका मेन वाला उसको आप बंद कर दो, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका नया अकाउंट क्रिएट करो, आपको नए अकाउंट में ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। कि अगर ये अकाउंट आपको वहाँ पे मिल जाता है तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस का काम है। अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो कुछ दिनों में अकाउंट में जो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस आप लोग जो इसको चेक करते रहना और बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपका अकाउंट जो है प्रोफेशनल में होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब कि बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए। जब तक अगर वो अकाउंट अगर आपका बिजनेस अकाउंट में नहीं हुआ तो आपको जो ऑप्शन फिर तो कभी मिलने का ही नहीं है, मतलब टाइम लग जाएगा जब तक आपको रियलाइज होगा कि अभी तक वो मैंने किए तो टाइम लग जाएगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, अकाउंट को अपने बिजनेस अकाउंट में कर लो और बाकी अगर दूसरा अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो ताकि उसमें भी कुछ मतलब वीडियोस वगैरह अपलोड करना एंड फोटोज वगैरह, उसके बाद देखना कि कुछ दिनों में अगर ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो मेन चैनल है उस पर आपको जो है अकाउंट पे वो ऑप्शन मोनेटाइजेशन का मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम नहीं चाहता है कि वो अपने किसी भी यूजर को ऐसा मतलब डीमोटिवेट करे या फिर वो यूं चाहे कि आप उसका कोई भी यूजर जो है इंस्टाग्राम को छोड़ दे, ठीक है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो सेम चीज यही है, बस आप लोग उनकी प्राइवेसी पॉलिसी का एकदम ध्यान रखो, कोई भी मतलब स्पैम वगैरह मत करो अपने अकाउंट में, कोई फेक फॉलोवर कोई फेक लाइक्स वगैरह मत लो अपने अकाउंट में, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसा बंद कर दो या फिर आप दूसरा अकाउंट बनाना तो बना ही लो, मतलब ये तो जरूरी है। इसमें अगर आप दूसरा अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन ज्यादा जल्दी मिल सकता है। तो बाकी आज की वीडियो यही तक थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।